So, good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. Good evening, good evening. Good evening, good evening. So, guys, today we are going to start past perfect tense. Okay? So, in this session, you will learn about the past perfect tense. So, without wasting time, let's start the session. So, guys, this is past perfect tense. Okay? जिसकी पहचान है आपकी चुका था, चुके थे, चुकी थी या फिर लिया था, किया था, दिया था, ये इसकी पहचान होती है ठीक प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती थी? चुका है, चुके थे, चुके हैं, चुकी है, और इसका है चुका था, चुके थे, चुकी थी। दोनों ही टेंस बिल्कुल सेम होते हैं, बस एक में चुका है आ रहा है तो दूसरे में चुका था आता है। तो ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था, इस तरह के सेंटेंस आएंगे लास्ट में, वो पास्ट परफेक्ट सेंट कहलाएंगे। ओके, चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बाकी सारे टेंस से बिल्कुल अलग है। इसमें है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो इसकी है वो है हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इस टेंस में आपको ही शी इट या किसी का नाम या आई वी यू दे के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को यूज ना करके सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, दैट इज हैड। ओके, आप सिर्फ हेड को ही कंसीडर करोगे इस टेंस में। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। राम खाना खा चुका था। ओके, ये देखिए मैंने सेंटेंस क्या बनाया, राम खाना खा चुका था। देखिए लास्ट में क्या है, चुका था। ओके, लास्ट में है चुका था, यही इसकी पहचान है। ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बोलते हैं राम। राम के बाद आएगा हेड, क्योंकि इसमें तो सबके साथ ही हेड आएगा, राम हेड। देन वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, ईट। राम हेड ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। राम हेड ईटन, क्या खा रहा है, फूड। राम हेड ईटन फूड, ये देखिए ट्रांसलेट हो गया हमारा, राम खाना खा चुका था। अब बनाते हैं राम खाना नहीं खा चुका था, नेगेटिव करते हैं। राम हेड के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा हमारा, हेड नॉट ईटन फूड, ये आपका नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव करते हैं, क्या राम खाना खा चुका था, तो हेड को आगे कर देना है, हेड राम ईटन फूड एंड क्वेश्चन मार्क, क्या राम खाना खा चुका था। लास्ट का बनाते हैं, क्या राम खाना नहीं खा चुका था, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ओके, हैड राम नॉट ईटन फूड एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, ये देखिए इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, जिसके लास्ट में आता है चुका था, जिससे हमने एक सेंटेंस लिया राम खाना खा चुका था, देन राम हैड ईटन फूड, नेगेटिव राम हैड नॉट ईटन फूड, इंट्रोगेटिव हैड राम ईटन फूड, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हैड राम नॉट ईटन फूड। ओके गाइस, सो दिस इज द टेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, इसके जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इनको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ओके, चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, हम एक और सेंटेंस बनाते हैं। अभी हमने बनाया चुका था, चुकी थी, चुकी थे से, अब बनाते हैं दिया था या किया था से। ओके, इस तरह से मैंने किया था। ओके, मैंने अपना काम कल कर लिया था, ये देखिए
मैंने अपना काम कर लिया था। लास्ट में क्या है? लिया था, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ट्रांसलेट करते हैं, मैंने यानी कि आई, देन हैड, आई हैड, देन वर्ब। वर्ब क्या है? करना। करने को क्या बोलते हैं? डन, सॉरी डू बोलते हैं, पर डू का सेकंड फॉर्म डिड और डिड का थर्ड फॉर्म डन। आई हैड डन माय वर्क, आई हैड डन माय वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था। नेगेटिव करते हैं, मैंने अपना काम नहीं किया था। आई हैड नॉट डन माय वर्क, आई हैड नॉट डन माय वर्क। इंटरोगेटिव करते हैं, हैड आई डन माय वर्क, हैड आई डन माय वर्क क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव ये मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं, ओके? उसको आप ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सेंटेंस आपको बनाना है, क्या मैंने अपना काम नहीं किया था, ओके? क्या मैंने अपना काम नहीं किया था। चलिए कुछ होमवर्क के लिए आपको सेंटेंस देता हूं मैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस करिए, ओके? कुछ सेंटेंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, जैसा कि रोज की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। अच्छी बात है कि आप कोशिश करते हैं, ओके? चलिए बनाते हैं। निकिता स्कूल जा चुकी थी, चुकी थी, ओके? लास्ट के सेंटेंस को जरूर पहचाना करो, क्योंकि उसी से आपकी पहचान होती है। निकिता स्कूल जा चुकी थी। अगला लीजिए, वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी। नेक्स्ट, क्या वे सो चुके थे, सो चुके थे। सोने को बोलते हैं स्लीप। अब स्लीप का थर्ड फॉर्म बताना आपको, ट्रांसलेट हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट, हम ताजमहल देख चुके थे, हम ताजमहल देख चुके थे। देखिए, सो गाइस, दिस फोर सेंटेंस यू हैव टू ट्रांसलेट एंड यू हैव टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ओके? वेयर आई विल सी हाउ मेनी स्टूडेंट हैज डन करेक्टली। ऑलराइट गाइस, सो टुमारो वी विल स्टार्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दिस इज द फोर टाइप ऑफ टेंस ऑफ पास्ट टेंस। देन आफ्टरवर्ड वी विल स्टार्ट फ्यूचर टेंस, ओके? कल आपकी पास्ट टेंस की जो सीरीज है उसका आखिरी टेंस होगा, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे। फ्यूचर टेंस के बाद फिर हमारी एक प्रैक्टिस क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा टेंस को याद करने की, उनके स्ट्रक्चर को याद करने की, ओके? और कैसे उनको पहचानते हैं। ये सारी हमारी क्लास होगी जब हमारे सारे टेंस खत्म हो जाएंगे, जो कि बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, ओके? सो दीज आर योर होमवर्क, कंप्लीटेड फास्ट, ओके? मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे या मे बी 7:30 बजे, कभी कभी क्लास आगे पीछे हो जाती है। नेटवर्क इशू की वजह से कल बहुत दिक्कत हुई क्लास को मुझे कंडक्ट करने में, कभी नेटवर्क गायब हो जाता था, कभी क्लास चलते बीच में रुक जाती थी। होपफुली आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हमारी क्लास ठीक ठाक तरीके से चली। ऑलराइट, चलिए तो प्रैक्टिस करिए और इसी तरह धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव करते चलिए। तो मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए बाय 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 बाय। ओके, कमेंट तो मैं सभी के चेक करता हूँ आपके, डोंट वरी, ऐसा मत सोचा करो। पर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है पढ़ाना, क्योंकि आखिर ये क्लास मैंने आपको पढ़ाने के लिए रखी है। अगर बीच बीच में मैं आपके कमेंट पढ़ता जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कब, है ना? चलिए तो मिलते हैं कल, बाय बाय बाय।